हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका साइंस विद संचित नेम के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को बताया, हम रिवीजन कर रहे हैं 10th के लिए। तो 10th का एक चैप्टर मैंने आज आपके लिए रिवीजन के लिए आया, जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इससे पहले हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस और दूसरे चैप्टर का नाम था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का कुछ पार्ट यहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ। तो रिप्रोडक्शन मैंने उसको बताया था कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए ह्यूमंस और एनिमल जो है क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन अपने अपने पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, जानते हैं हम क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। तो देखिए, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, तो इसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमीबा, इससे अच्छा इसका एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके कुछ मेथड मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताए थे। पिछले वाले चैप्टर की मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इसके कुछ मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग वगैरह, ये सब इसका क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, टू पेरेंट इन्वॉल्व, टू पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। क्या बनता है, गैमेट्स फ्यूज होकर बनता है जायगोट, ठीक है। आफ्टर आप उस चैप्टर को पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि क्या हमने क्या क्या उस चैप्टर में सीखा था। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट है, आई बटन में इसका लिंक पड़ा हुआ, आई बटन में क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे तो देखिए, अब हम बात करेंगे हेरिडिटी की। तो चलिए समझते हैं हेरिडिटी क्या होती है। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। तो देखिए, क्या करना, ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स का और ट्रेट्स का ट्रांसफर होना किसमें, पेरेंट्स से बच्चे में, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को, ट्रांसफर होने के प्रोसेस को, ट्रेट्स के और कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस बोलते हैं ट्रेट्स और कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को। इसके आधार पे अपने पास दो तरह की ट्रेट्स होती हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है। देखिए, ट्रेट्स अपने पास दो तरह के हैं। सबसे पहले है इनहेरिटेड। तो देखिए, इनहेरिटेड, तो सबसे पहले ट्रेट कौन सी है, इनहेरिटेड। तो इसको समझते आइए, देखिए इनहेरिटेड कौन सी होती है। तो पहले सबसे पहले यहाँ देखिए, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स से बच्चे में आएंगे वो कौन सी ट्रेट्स हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल की तरह मैं लिख देता हूँ, आपके हेयर्स का कलर, हेयर का कलर्स, आईज की पीपल्स का कलर, आपकी नोज का पैटर्न, ठीक है, आपके फेस का शेप, ठीक है। बोल देते हैं ना कभी कभी कि देखो बच्चे पापा से मिलता है या मम्मी से, तो ये सारे कैरेक्टर्स कौन से हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। और बाकी पास इसके बाद अपने पास जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो देखिए, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होती हैं, इसको समझते हैं। देखिए, एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होती हैं, डेवलप्ड ओवर द टाइम, तो जन्म के समय पर नहीं आती हैं, ये कब होती हैं, डेवलप्ड ओवर द टाइम, ट्रेट कैन नॉट बी पास्ड ऑन। और ये जो ट्रेट्स हैं, ये जैसे आपको अभी जो इनहेरिटेड ट्रेट थी वो पेरेंट्स से ऑफिस रूम में ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन ये जो ट्रेट्स हैं एक्वायर्ड ट्रेट, ये ट्रांसफर नहीं होती हैं। ये जैसे आपने पढ़ना सीखा, आपने कोई भी नॉलेज डांस वगैरह की, जैसे आप वर्ल्ड में आए रिप्रोड्यूस होने के बाद डांस वगैरह आपने सीख लिया, तो ये आपके जरूरी नहीं है कि ये आपके बच्चे में भी डांस की ट्रेट्स हों, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट होती हैं, किसके समय पर आती है, समय के साथ साथ आपके पास आती हैं। इन ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। सबसे पहले हम इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट पढ़ चुके थे। तो देखिए, इनहेरिटेड वो होती है जो हमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। तो ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से जाती है, तो देखो मान लो अगर पेरेंट्स से सारे कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने एमए किया हुआ तो मेरा बच्चा पैदा हुआ था एमए करा हुआ,
तो डायपर में हमें पढ़ने जा रहा है तो ठीक नहीं रहता। तो कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो उसे जीवन में एनवायरमेंट के साथ समय के साथ साथ सीखनी पड़ेंगी, तो उन ट्रेड्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, और कुछ जो पेरेंट्स से मिलती है उन्हें हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो चलिए बाकी आगे जानते हैं गिरिगर जॉन मेंडल के बारे में। गिरिगर जॉन मेंडल आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में तमाम पढ़े होंगे, तो आइए जानते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया था। तो जॉन गिरिगर मेंडल, गिरिगर जॉन मेंडल, देखिए गिरिगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो गिरिगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर, पिता कहा जाता है। इनका जन्म का समय 1822 से लेकर 1884 तक था, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने पूरी जेनेटिक्स में पी प्लांट पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। पी प्लांट पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लेता है 10th क्लास में। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सटाइवम। क्या होता है, पाइजम सटाइवम, आई होप दिख रहा होगा सबको। तो पाइजम सटाइवम पी प्लांट का पूरा नेम है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम के बाद अब पी प्लांट की क्वेश्चन कभी कभी 10th के बोर्ड में इंपोर्टेंट ये पूछ लेते हैं, स्टार लगा देता हूँ मैं इस पर, कि मेंडल ने ओनली पी प्लांट क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो देखिए इसके कुछ चार, वैसे सात रीजन बताते हैं, लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चार रीजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि समय के हमारे पास समय का हमारे पास अभाव है और हमें कुछ और भी चीज़ें क्लियर करनी है। तो देखिए, तो रीजन फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, रीजन फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट, तो मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो कुछ और भी तो सिलेक्ट कर सकता था, रोज का पौधा कर सकता था, कुछ भी कर सकता एक्स वाई जेड, लेकिन उसने क्या सिलेक्ट किया, पी प्लांट को। तो देखिए उसके कुछ रीजन थे वो उसने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया। इट इज ईजी टू ग्रो, सबसे पहले जो पी प्लांट है वो सबसे ग्रो आसानी से कर जाता है, ईजी टू ग्रो, और सीजनल प्लांट भी है। यहाँ भी एक चीज और लिख लेंगे, सीजनल प्लांट, ठीक है। और देखिए इट प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग इन वन क्रॉस, एक क्रॉस में बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग क्या कर देता, प्रोड्यूस, जो हमारे लिए फायदा भी था, क्योंकि हम एक ऑफ स्प्रिंग को पढ़ के अपना कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, हमें बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग स्टडी करनी पड़ती है, फर्दर हम रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का तरीका यही होता है, ये नहीं कि हमने सिर्फ एक ट्रेड उठा ली और उसके कैरेक्टर्स पढ़ लिए और रिजल्ट अपना दे दिया, नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी ट्रेड पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे ट्रेड्स के कैरेक्टर पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके हम रिजल्ट दे पाते हैं। तो उसके बाद देखिए दूसरा रीजन ये हो गया, पहला ये हो गया, तीसरा रीजन देखिए, तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन ये था प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। तो जो पी प्लांट की जो ट्रेड्स थी उनमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो ऑब्जर्व थे, जो हम मतलब अपनी नेक्ड आई से भी क्या कर पा रहे थे, ऑब्जर्व कर पा रहे थे, जैसे सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का कलर, पॉड कॉन्स्ट्रक्टेड है या फुल है, और फ्लावर की पोजिशन। तो ये सारे देखो वैसे इसी में जो है चार और बन जाते हैं, तो वो सात रूल हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको सारा इसी में बता दिया, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। तो कुछ ऐसी चीजें पी प्लांट में इन्वॉल्व थी जो हमें हम उसे आंखों से देख सकते थे, जैसे मैंने बताया पॉड से, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल है क्या है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट, इट हैड शॉर्ट लाइफ, सबसे पहले ये जान लेते हैं, इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल, देयरफॉर पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती थी, तो हम इसकी बहुत सारी जनरेशन को क्या कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे। और सीजनल प्लांट है, ये मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया। तो इसीलिए मेंडल ने क्या करा था, ये सात पौधे, सॉरी, ये इसलिए मेंडल ने क्या करा था, ये पी का प्लांट चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे इसमें डोमिनेंट ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। पहले हम पढ़ रहे थे कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया था, मैंने आपको चार और पांचों कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, सात तो बता दिए वैसे। तो अब देखिए, अब हम कुछ ट्रेड्स पढ़ते हैं। देखिए डोमिनेंट ट्रेड, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमिनेंट ट्रेड। तो ये डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होती है उसको समझते हैं पहले। तो देखिए, इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेड। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रेसेसिव है या डोमिनेंट है, इन्हें अपनी डोमिनेंसी शो करनी है। यदि प्लांट टॉल है तो, अगर टॉल डोमिनेंट है तो प्लांट जो है टॉल होगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें रेसेसिव ड्वार्फ है या नहीं, ड्वार्फनेस है तब भी क्या आएगा, प्लांट टॉल आएगा, ठीक है। इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेड्स। उसके बाद देखिए रेसेसिव ट्रेड्स क्या होती हैं। तो देखिए रेसेसिव ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो एब्सेंस डोमिनेंट ट्रेड्स की एब्सेंस में अपने कैरेक्टर को क्या करती हैं, शो करती हैं। तो देखिए इट इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस ट्रेड। तो जब ये डोमिनेंट ट्रेड, जब डोमिनेंट ट्रेड एब्सेंट होंगी तब कौन सी ट्रेड्स निकल के आएंगी, रेसेसिव ट्रेड्स, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल समझते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड को, इधर देखिएगा। देखिए कोई प्लांट है,
एक टॉल टॉल प्लांट ले लेते हैं हम, और एक ड्वार्फ प्लांट ले लेते हैं। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉल, और यहाँ लिख देते हैं ड्वार्फ। ठीक है, तो देखिए इसको क्रॉस करवाते हैं, हालांकि अभी आएगा, आगे आएगा ये, थोड़ा सा यहीं समझ लेते हैं। तो देखिए ये इसमें जो सारे कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, लॉन्ग आएंगे यानी टॉल आएंगे, क्योंकि ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, रेसेसिव है। ट्रेट इसकी कैसी है, रेसेसिव है। और जो टॉल प्लांट है यानी कि ये किस, ये इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट। तो जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो कैसे आएंगे, टॉल आ रहे। ठीक है, तो ये ट्रेट कैसी, डोमिनेंट। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि रेसेसिव है या नहीं है, इसको अपने क्या करना है, हमेशा अपने डोमिनेंट शो करना है। जैसे बड़ा भाई हमेशा घर में क्या बनने की कोशिश करता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो ऐसे ये डोमिनेंट का काम होता है, ये भी अपने ट्रेट्स देगा, इसे कोई मतलब नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। देखिए अब डोमिनेंट और रेसेसिव के बाद हम समझते हैं एलील्स को। तो एलील्स को हम, मैंने यहाँ लिख रखा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। हमें जो जीन दी है उसकी डिफरेंट फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील, एलील बोलते हैं। आपके एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, जैसे कैपिटल टी रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। ठीक है, अब देखो हमें ये टी और टी दी है, अब हमें ये बतानी है कि ये एलील है। ठीक है, तो कौन सी एलील है ये मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। तो टी मैंने यहाँ लिख दिया टी रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, और स्मॉल टी रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप किसे कहते हैं जानते हैं, तो देखिए इट रेफर टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन अपीयरेंस। देखिए अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, एक वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाऊंगा, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो मेरे को तीन कुछ चीज़ें हैं, कुछ टोटल मेरे को चार चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से तीन जो हैं वो कैसी हैं, टॉल हैं। तीन कैसी हैं, टॉल है, और एक जो है वो ड्वार्फ है। तो इसका फिनोटाइप मुझे निकालना है, तो मैं आंखों देखे से निकाल दूंगा कि इसमें तीन चीज जो है वो कैसी है, टॉल है। तो यहाँ लिख देते हैं तीन चीज जो है टॉल है, और रेशियो एक उसमें कैसी है, ड्वार्फ है। तो ये उसका क्या हो गया, चीज का फिनोटाइप। अभी आप घबराए ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अभी हम करके दिखाएंगे, तो ये सारी चीजें अभी आपको आंखों के सामने आ जाएंगी। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ से रख कर देते हैं, नहीं तो हमारी कंपनी बेकार हो जाएगी। देखिए अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की। तो अभी मैंने बताया था कि हम उसका फिजिकल अपीयरेंस स्ट्रक्चर देख के बता पाए कि उसका जो है जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी उसमें, देखिए जीनोटाइप यानी कि जीन्स की जरूरत पड़ेगी। जीन्स के अपीयरेंस से हम देख के बताएंगे कि कितने टॉल हैं, कितने शॉर्ट हैं, कितने हाइब्रिड हैं, कितने ड्वार्फ हैं, कितने प्योर हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, इट रेफर टू द जेनेटिक कोड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हमें किसके लिए कैसे बताना पड़ेगा, उसके जीन देख के हमें ये बताएं कि ये टॉल है या ड्वार्फ है, कैसा है। तो ये इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, देखिए अभी हमने यहाँ पे थ्री रेशियो वन लिया था, इसमें तीन कैसे थे, टॉल थे, और एक कैसा था, ड्वार्फ था। अब इसमें जो तीन टॉल है उसमें तो एक प्योर टॉल और दो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल। तो ये हमें कैसे देख के पता चलेगा, इसके जेनेटिक कोड देख के पता चलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। आगे हम बात करेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप के बाद होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की। तो देखिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की हम बात कर लेते हैं, क्या होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस आएगा। थोड़ा सा चैप्टर और बचा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखें अभी खत्म करके। तो देखिए होमोजाइगस क्या होता है, इट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर सेम टाइप एलील इज प्रेजेंट फॉर ए गिवन फिनोटाइप। देखिए सेम टाइप की जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगी तो सेम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। जैसे टॉल टॉल टी टी यहाँ लिखा हुआ है मैंने, टॉल टॉल टी टी होमोजाइगस टॉल। अगर मैं यहाँ पे लिख देता स्मॉल टी तो ये कैसी हो जाती है, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो स्मॉल सॉरी सेम टाइप की जहाँ जीन्स प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, अब देखिए हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलील, डिफरेंट टाइप की एलील प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। देखिए जैसे कि टी टी एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं अभी आपको जो डेफिनेशन समझाई थी वो कैसे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझते हैं क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सपोज करो अपने पास दो पेरेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे टी टी टी
और टी, इसको हम यहाँ लिखेंगे टॉल। ये कैसे कैसी प्रोजनी है, टॉल पेरेंट्स है। उसके बाद हम दूसरी ले लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसको हम क्या लिख लेंगे, ड्वार्फ। ठीक है, तो अब इन दोनों के जाम की बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगी F1 जल्दी से। देखिए तो यहाँ से लेते हैं सीक्वेंस वाइज इसका क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले इसका तो हम क्या बनेगा, एक स्मॉल, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। फिर इसके बाद इसका इसी से, कई बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोनों अभी तक हमें क्या मिले, टॉल टॉल मिले हैं। तो फिर उसके बाद फिर से इसका लेते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा, टी टी मिलेगा। और फिर से इसी को लेते हैं और इसको हम यहाँ मिलाते हैं, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, टी और टी। ठीक है, तो अब इस जनरेशन में देखिए, इसमें हमें सारे टॉल मिले हैं। क्या मिले हैं, सारे टॉल मिले हैं। और देखिए कोई भी प्योर टॉल नहीं है। ठीक है, सारे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कोई भी प्योर टॉल नहीं है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेटरोजाइगस टॉल, हेटरोजाइगस टॉल। ठीक है, अगर यहाँ पर टी और टी दोनों कैपिटल होते तो हम इसे क्या बोल देते, होमोजाइगस टॉल। ठीक है, लेकिन इसकी अभी हमें जरूरत नहीं, तो इसे मैं भी रख कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो भी सारे ऑफिस प्रिंग मिले वो कैसे मिले, हेटरोजाइगस टॉल मिले। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिख देते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, देखिए अब हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराएंगे। तो अभी हमें जो मोनो हाइब्रिड हमने क्रॉस कराया था, तो उसमें हमें सारे हाइब्रिड चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस कराने का तरीका एक बार मैं ऐसे करके बता देता हूँ, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में हो रहा है। उसके बाद हम दूसरे तरीके से भी जानेंगे एक बार क्रॉस करने का तरीका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पकड़िए इसको, इस टी को इससे मिलाइए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, फिर इसी टी को हम इसके साइड वाले से मिलाएंगे। तो एक बार हमें कैपिटल टी और एक बार इसको स्मॉल टी। तो ठीक है, अब हम दूसरी वाली को पकड़ते हैं, दूसरी वाली को पकड़ के हमने काम ला दिया। तो फिर हमें क्या मिलेगी, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर दूसरी वाली को हम यहीं से पकड़ते हैं और इसको हमने क्या मिला दिया, दूसरी वाली से मिला दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अब देखिए फिनोटाइप, जीनोटाइप, सारी चीज़ें अब आपको इसी बीच से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अपने पास दो तो प्योर है, एक तो टी टी कैपिटल टी, ठीक है, दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी। तो ये कैसा है अपने पास, टॉल है। ठीक है, और ये कैसा है, ड्वार्फ है। और ये कैसे हैं, प्योर है, तो होमोजाइगस भी हो गए। कैसे हो गए, होमोजाइगस भी हो गए। तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया और ये होमोजाइगस टॉल हो गया। ठीक है, अभी मैंने डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर की भी बात की थी थोड़ी देर पहले। तो ये देखिए यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल कैरेक्टर है। क्योंकि देखिए यहाँ भी टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो यहाँ भी टॉल। तो ये जो हाइब्रिड, ये टॉल है लेकिन कैसे है, हाइब्रिड है। ठीक है, ऐसे ये है, ये भी कैसा हाइब्रिड है, टॉल और हाइब्रिड। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका हम निकालते हैं फिनोटाइप। यहाँ दिख रहा होगा, फिनोटाइप निकालते हैं इसका। तो फिनोटाइप देखिए टोटल अपने पास कितने, पहले टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो टोटल 4 है, उसमें से अपने पास टॉल कितने हैं, 1 2 और 3। तो 3 टॉल है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3। 3 अपने पास कैसे हैं, टॉल। तो यहाँ पे लिख लो अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो कोई वैसी जरूरत नहीं है। तो 3 टॉल लिख लिया और उसके बाद एक अपने पास कैसा है, ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये हमने फिनोटाइप निकाल लिया इसका। क्या आया फिनोटाइप, फिनोटाइप आया अपने पास 3:1, सिंपल सी भाषा में। अब देखिए जीनोटाइप निकालते हैं इसका, जीनोटाइप कैसे निकालेंगे। अब हमें जीन से पता करना है कितने टॉल है और कितने। तो देखिए एक अपने पास प्योर टॉल है, तो सबसे पहले एक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अपने पास एक प्योर टॉल है, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया। और 1:1। अब देखिए दो अपने पास हाइब्रिड है, कैसे हैं, हाइब्रिड है, तो 1:2। और फिर से अपने पास एक टॉल मिल गया, सॉरी ड्वार्फ मिल गया, तो इसको क्या लिख लेते हैं, 1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। देखिए टोटल कितने हो गए, 1 और 1 2 और 2 4। टोटल कितने हो गए, 4। और यहाँ भी टोटल कितने होते हैं, 4। तो जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया, और होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। ठीक है, ये हाइब्रिड भी समझ में आ गया होगा अब आपको।
तो दोस्तों बस चलिए इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। मिलते हैं आपसे वीडियो के पार्ट टू में, जिसमें हम डाइहाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन और कुछ पार्ट एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।